शुक्रवार सुबह तेल से भरा वाहन तहसीलदार ने पकड़ा। यह वाहन बेटमा के व्यापारी का था, जिसमें मनित कंपनी का सोयाबीन तेल के डिब्बे भरे थे, जो देपालपुर में बिना परमिशन के लॉकडाउन में बंद के चलते भी दुकानों पर तेल सप्लाई करने आया था। इसी बीच जब प्रशासन की टीम क्षेत्र से गुजरी तो उन्होंने तेल सप्लाई करते हुए वाहन को चेक कर उसके कागज चेक, जिसमें गाड़ी के पेपर और परमिशन और माल बिल नहीं मिलने पर तहसीलदार ने वाहन को देपालपुर थाने पहुंचाया था। प्रशासन को डब्बों के तेल की मात्रा कम होने की जानकारी मिली थी, जिस पर प्रशासन ने शनिवार को खाद्य आपूर्ति विभाग और नापतोल विभाग की टीम को बुलाकर माल की तुलना की गई, जिसमें 15 लीटर के डिब्बों की तुलाई की तो उसमें प्रत्येक डिब्बे में 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक तेल की मात्रा कम पाई गई। कम मात्रा निकले तेल के डिब्बों को नापतोल विभाग ने जब्त किया गया है। अब जब तक डिब्बों में भरे तेल को खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेगा। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। देपालपुर के द्वारा कुछ गाड़ी पकड़ी गई थी तेल की कल दिनांक को, जिसमें कि कुछ तेल में वजन कम होने का शक पाया गया था, जिसके चलते आज नापतोल विभाग की टीम को इंदौर से बुलाया गया एवं आज थाना परिसर देपालपुर में संपूर्ण सुबह से कार्रवाई चल रही है। इन पर एक एक डिब्बे तोल करके चेक किए गए हैं नापतोल विभाग के द्वारा और इसमें 5 किलो के जो डिब्बे थे वो सही पाए गए हैं और जो बड़े 15 लीटर के जो डिब्बे थे तेल के, खाद्य तेल के, उसमें 70 से 80 ग्राम का डिफरेंस पाया गया है। इसके चलते इनको इनकी अभिरक्षा में लिया जा रहा है नापतोल विभाग के द्वारा और इनके द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी इनके स्तर पर। सर, ये ब्रांड कहाँ का है? ये ब्रांड इनका सब खुद का ब्रांड है, इनकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट भी इनकी खुद की है, FSSAI लाइसेंस नंबर भी इनका इसमें लिखा हुआ है और इनकी यूनिट कहाँ? बेटमा में इनकी यूनिट है। अच्छा, ये जो माल जब्त किया इसमें सैंपलिंग का जांच हुई है? सैंपलिंग की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बताया गया है, वो आज या कल में पूरी करेंगे कार्रवाई। सभी पैकेट होंगे सैंपल में? छोटे बाबूजी, 2.5 लीटर, 5 लीटर? हाँ हाँ, ये सभी पैकेट्स को चेक किया गया है, सभी का वजन लिया गया है। सैंपल के लिए सैंपल की जो कार्रवाई की जाएगी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वो आज या कल में कार्रवाई पूरी करेंगे। आपका नाम? अंकुर गुप्ता, कनिष्ठा पूर्ति अधिकारी। ये पूरा मामला क्या है? ये कल लॉकडाउन में आपके पूरा लॉकडाउन किया है देपालपुर को, तो उसमें कुछ गाड़ियाँ प्रशासन के द्वारा या लोकल तहसीलदार साहब ने पकड़ी थी कि कहाँ वितरण हो रहा है, कहाँ पे क्या है। तो ये गाड़ी तेल की थी और इसमें कुछ शंका और शिकायत उनको हुई थी कि माल भी कम हो सकता है इसमें, जो भरा हुआ तेल की मात्रा है। तो उसकी जांच के लिए मुझे निर्देश हुए थे और जांच में निष्कर्ष में मैं SS राजपूत भोपाल से इंदौर से आया था नापतोल विभाग से और तेल की मात्रा की जांच करी और उसको जो पूरी विभागीय प्रक्रिया जो नियम इसकी है उसको पालन करते हुए, तो यहाँ अभी देपालपुर थाने में ये पाया गया आप सभी के समक्ष कि जो छोटे जा रहे हैं उनमें मात्रा तेल की बराबर है, नियमानुसार इनकी जो घोषणाएँ हैं वो सब बराबर प्रिंट हैं, परंतु बड़े जार में कुछ में 70 ग्राम 50 ग्राम 80 ग्राम इस तरह से कम मात्रा पाई गई। तो जांच परिणाम में ये है कि ऑलमोस्ट बड़े जाल में मात्रा कम है, किसी में प्लस नहीं पाई गई, इसलिए कम मात्रा होने से उनको विभागीय कार्रवाई हेतु अधिग्रहित किया है और आगामी रूप से इसको जब करने के बाद आगामी विभागीय कार्रवाई करते हुए इसको प्रकरण प्रस्तुत किया जाए। SS राजपूत, निरीक्षक नापतोल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।